गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको पार्ट 7 की हिंदी पूरी समझा दी। आज मैं आपको पार्ट 7 के शुद्ध उच्चारण कराऊंगी। गुरु भक्तः धनुर्विद्या प्राप्त अर्थम समीपम समक्षम आगतः शिष्य रूपेण स्वीकुरु राजपुत्रान् पार्श्वे निराशः भूत्वा प्रत्यागच्छत् प्रतिमाम् आरचयत् धनुर्विद्यायां धनुधरः दृष्ट्वा तमुपृच्छत्। अब मैं आपको समझाऊंगी खा कोशन उचितम विकल्पे सही चिन्हम प्रदर्शयत्। सही विकल्प सही का निशान लगाइए। बालकः आसीत् बालक कौन था? गुरुभक्त। गुरुभक्त पर सही का निशान लगाना है। दूसरा, एकलव्य कस्य समीपम अगच्छत्। एकलव्य किसके पास गया? द्रोणाचार्यस्य पर सही का निशान लगाना है। तीसरा, द्रोणाचार्य देश अपाठयत्। द्रोणाचार्य किसको पढ़ाते थे? राजपुत्रान पर सही का निशान लगाना है। चौथा, एकलव्यस्य देश शिथिलान न अभवत्। एकलव्य की क्या कमजोर नहीं हुई? श्रद्धा भक्ति, एकलव्य की श्रद्धा भक्ति, गुरु के प्रति जो श्रद्धा भक्ति थी वह कमजोर नहीं हुई। पांचवा, अहम तब डैश हस्तस्य अंगुष्ठम इच्छामि। मैं तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहता हूँ। तो दाहिने हाथ का दक्षिण, इसमें आएगा दक्षिण पर सही का निशान लगाना है। बेटा ये हो गया आपका अबगा। रिक्त स्थानानी पूरी है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तस्य नाम डैश आसीत। तस्य नाम एकलव्य आसीत। दूसरा, कृपया डैश स्वीकुरु। कृपया शिष्य रूपेण माम स्वीकुरु। एकलव्य द्रोणाचार्य से डैश अरचयत। एकलव्य द्रोणाचार्य से एका प्रतिमाम अरचयत। क्रमेण सा एका प्रसिद्धा डैश अभवत। क्रमेण सा एका प्रसिद्धा धनुधरा अभवत। स बाणी तस्य डैश मुखम अश्वियत। उसने बाणों से उस कुत्ते का मुंह सिल दिया। अब देखो बेटा ये हो गया आपका, इसकी हिंदी में समझा देती हूँ। उसका नाम एकलव्य था। कृपया शिष्य के रूप में मुझे स्वीकार करो। एकलव्य द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। लगातार अभ्यास करने से वह एक प्रसिद्ध धनुधारी हो गया। उसने बाणों से उस कुत्ते का मुंह सिल दिया। ये हो गया बेटा आपका खाली स्थान। अब देखिए सत्यम असत्यम व लिखत। सत्य असत्य लिखिए। एकलव्य गुरुभक्त आसीत। एकलव्य गुरुभक्त था। सत्यम। दूसरा, द्रोणाचार्य कृषकान अपाठयत। द्रोणाचार्य किसानों को पढ़ाते थे। गलत असत्यम। एकलव्य प्रतिदिनं प्रातः प्रतिमां नत्वा धनुर्विद्याया अभ्यासं अकरोत्। एकलव्य प्रतिदिन प्रातःकाल प्रतिमा को मूर्ति को नमस्कार करके धनुष चलाने की विद्या का अभ्यास करता था। सत्यम। एकलव्य कुकुरम अमारयत। एकलव्य ने कुत्ते को मारा। असत्यम। एकलव्य स्वयं दक्षिण हस्तस्य अंगुष्ठम अचुरा आचार्याय अच्छत च। एकलव्य ने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु के लिए काटा और गुरु को लिए दे दिया। सत्यम। ये बेटा आपका हो गया, ये आपका अभ्यास कार्य हो गया। इससे आगे का अभ्यास कार्य कल मैं कराऊंगी। अब इतना काम आप अपनी बुक में करेंगे, होमवर्क में। धन्यवाद।